नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं माधव कुमार और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने जो मेरे वीडियोस को इतना लाइक किया है और शेयर किया है उसे, ये आप ही लोगों के मतलब सपोर्ट का और आपके प्यार का नतीजा है कि आज मेरे इतने वीडियोस लाइक किए जा रहे हैं और मतलब इतने ज़्यादा मुझे लोगों ने देखा, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इसी तरीके से उसे लाइक करते दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। और मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन होगा, उसे आप सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में एक बेल आइकन होगा, उस पर क्लिक कीजिए ताकि अगली बार जब भी हमारा एक नया वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और अभी मैं एक छोटे से मतलब मेरे लिए तो छोटा नहीं है, परंतु एक ज्वलंत समस्या है जो थोड़ी सी मुझे ऐसी लगती है, तो मैं उसका लिए अपना एक थोड़ा सा सजेशन आपको देना चाहूँगा। तो इसको एक सजेशन के लिए ही आप ले सकते हैं, क्योंकि मैं कोई इतना बड़ा तो हूँ नहीं जो किसी को बोलूँ कि भैया तुम मेरी बात को मानो, परंतु ये एक सजेशन मात्र और थोड़ी सी ज्वलन समस्या मुझे लगती है कि शायद ये है, तो उसे आप भी सोचिएगा। और प्लीज़ मेरे अगर वीडियो आपको पसंद नहीं आता है तो उसे डिसलाइक मत कीजिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आता है, आपको ऐसा लगता है कि इसमें ये वीडियो में कुछ सुधार होना चाहिए, कुछ ये होना चाहिए या वो होना चाहिए, तो आप उसमें नीचे कमेंट करके लिखिए ताकि मैं अगली बार जो भी कोई वीडियो बनाऊँ तो उसमें मैं वो सारे करेक्शंस और वो सारे डेवलपमेंट कर दूँ, ताकि वो आपको फिर से पसंद आए। और मेरा कोई भी वीडियो किसी को हर्ट करने के लिए नहीं होता, और आप उसे इंजॉय कीजिए। दिस इज़ जस्ट लाइक अ सजेशन। तो मेरा एक चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि जिसको आज बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जा रहा है लोगों के द्वारा, जिसे बोलते हैं पब्लिक डिस्प्ले अफेक्शन, PDA। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छी चीज़ है, बढ़िया चीज़ है, परंतु मैं तो कभी किसी को बोलता नहीं हूँ कि भैया मेरी बात मानो या तुम्हें जो करना हो वो करो, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। मतलब ये संस्कृति को उससे कुछ नुकसान होता है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसे तो मैच्योर लोगों को, मेरे जैसे लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हाँ जो बच्चे इस चीज़ को देखते हैं वो लोग थोड़े गुमराह हो जाते हैं। और मेरे हिसाब से ये है कि अगर हम हमारे जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए अगर हम ये एग्जांपल सेट करेंगे, तो हो सकता है कि हमारे आने वाला जो जनरेशन है वो पूरी तरीके से भारतीय संस्कृति को भूल जाए। तो ये एक हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। चूँकि मैं एक भारत का नागरिक हूँ, इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, परंतु अगर फिर भी अगर किसी को इन्जॉय करना है तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं और सबको करना चाहिए। परंतु ये है कि जो मतलब बच्चे हैं, जैसे मेरा भी छोटा भाई है, तो वो भी ये सब चीज़ें देखता है, आज पता नहीं क्या क्या करने लग गया। तो ये चीज़ें हैं कि मतलब हम लोग चाहें तो उस चीज़ को थोड़ा बहुत देख सकते हैं सड़क पे, क्यों मतलब ये चीज़ों को अगर हम थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो धीरे 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 हमारा देश पूरा वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर जाएगा और हमारा देश भारतीय संस्कृति को पूरी तरीके से भूल जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से एक थोड़ा सा संस्कृति के लिए घातक है। बाकी तो सब कुछ बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैं तो हमेशा सबको यही बोलता हूँ कि इन्जॉय करो। तो मेरा एक सजेशन मात्र है, आप इसको लीजिएगा एज अ सजेशन, और आप थोड़ा सोचिएगा उस पर कि वैसे भी मैं तो कॉमन मैन हूँ, आम आदमी हूँ, तो मैं जो भी कुछ बोलता हूँ वो केवल एक सजेशन मात्र होता है, तो उसे आप सजेशन के रूप में लीजिए। और देखिए कि ये PDA जो पब्लिक डिस्प्ले अफेक्शन जो हो रहा है, जो मेरे हिसाब से ऐसा है कि वो संस्कृति के लिए थोड़ा सा वो है, बाकी तो ऐसे तो कुछ नहीं, इन्जॉय कीजिए। और ये है कि नई जनरेशन जो आए वो भी हमारी जो संस्कृति है, जो धरोहर है, उसको वो फॉलो कर पाए, उन चीज़ों को फिर से उसी रूप में ले पाए जिस तरीके से वो हैं, एज इट इज़ अपनी बनी रहे, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो बिल्कुल यूनिक है। लोग हमें फॉलो करते हैं, पर आज हमारी विडंबना है कि हम वेस्टर्न कल्चर को पूरा फॉलो कर रहे हैं और मतलब हम उनके जैसे बनते चले जा रहे हैं, जो कि एक हिसाब से थोड़ा सा मतलब हमारी संस्कृति के लिए गलत है, हमारे जो संस्कारों के लिए थोड़ा बहुत गलत होता है, परंतु फिर भी ठीक है, इंजॉय तो करना ही चाहिए, क्योंकि इंजॉयमेंट नहीं रहेगा तो लाइफ नहीं रहेगी। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब।